वाकई लाजवाब। तबीयत मस्त बताया गया क्या कि मैंने जब भी जो भी पदार्थ लिया है, मैंने जब भी जो भी पदार्थ लिया है राम रस में सना दिया है, और जब भी काटा गया कोई पेड़ तो मैंने उसका तना लिया है। आप तो आप हैं निशा जी, आप तो आप हैं। इस जमाने ने लाखों पत्थर मारे मुझे, पर मेरी खूबी तो देखो, मैंने उन पत्थरों को उठाकर अपना घर बना लिया है। वाह रे तेरी हिम्मत। देखो भड़बड़ कड़बड़ से काम नहीं चलता, वही है जवाब और सवाल। यहाँ पर कुछ लोग ही बैठे हुए हैं, लेकिन आप इनसे पूछिए क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। शर्मा जी, वही हाल है, दम बनी रहे घर चुआ करे। अब नीचे से बता रहे हैं कुछ, बता कुछ रहे, बोल कुछ रही हो, बोल। हालांकि हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ढोलक मास्टर सब समझ रहे। अरे काली बदली को बरसने की जरूरत होगी और अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत होगी। अगर संगमरमर को ढंग से तराशा ना गया तो कैसे बुतखाने में भगवान की मूरत होगी। आइए चलते हैं आपके कटपीस की तरफ। आपने बताया और गीत आया कि मेरे दीवाने को पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। अरे कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अब आपने बताया कि अब तो पथराई अखियां प्रेम जल पिलाने को और बन गई पत्थर की प्रतिमा पिया के पाने। ये आपने सवाल किया और क्या निशा जी, अभी तो कितने पत्थर बाकी हैं, उनसे कुछ पत्थरों को उठा रहा हूं। आपने बताया और आपका प्रसंग कह रहा है राम और लक्ष्मण के बीच का प्रसंग है। तो देखिए, जब नंदीग्राम ननिहाल में थे भरत जी, उस समय जब राजा दशरथ का मरण हुआ था, उस समय भरत जी ननिहाल में थे, तो कहना पड़ा कि 14 वर्षों के लिए Hey!
वर्षों के लिए भरत जी बन गए पत्थर। अब ये थोड़ो कि पत्थर बन गए, आप ये मत समझना कि वो पत्थर बन गए। कहते हैं दिल पे पत्थर रखो, तो इसका मतलब नहीं कि दिल पे उसने सही में पत्थर रख लिया। एक मुहावरा लगा हुआ है, देखेगा। देखो हम लोग 14 वर्षों के लिए बन गए हैं पत्थर, जैसे विष्णु जी वहां बन गए थे पत्थर। जब आदरणीय जन समुदाय, जिस समय भारत जी वापस आए तो माता कह गई कि महलों में गए, कहने लगे मैया अरे जहाँ पे घंटे घड़ियाल और शंख की आवाज आती थी आज वहाँ कुत्ते क्यों रो रहे। तमाम सवाल किए तो भारत जी ने एक चीज पूछा माता कैकेयी से कि पैदा किए होते यदि तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, नहीं तो इस भारत अभागे के बदले कंकड़ उत्पन्न किया होता। देखो एक एक बात समझ रहे हैं सब लोग। आपने सवाल किया, तुम अपना गाना देखिए, आप अपना गाना गाती तो पनी अनजान पत्थर। क्या पनी अनजान पत्थर, वो बेजुबान पत्थर। क्या मधुरा और उर्मिला बन गई है आज दिल पे रख पत्थर। आज दिल पे रख पत्थर, आज दिल पे रख पत्थर, आज दिल पे रख पत्थर। अब कोई इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता, नींद नारी भोजन तजे, तो कहना पड़ा के 14 वर्षों तक तरसी तरस के पाने को। दर्शन के लिए उर्मिला तरसती रही 14 वर्षों तक, 14 वर्षों तक तरसी वो तरस के पाने को, और राह तकती रही वो पिया के घर को आने को। 14 वर्षों तक तरसी वो तरस के पाने को, राह तकती रही वो पति के घर के आने। राह तकती रही वो पति के आने। राह तकती रही वो पति के प्रेम पाने। चंद्र की और ये हमारे बाबा जी वो बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, हृदय से नमा बंदन है। आप भूल भुलियापुर से पधारे हुए हैं, हालांकि माता गंगा के पावन तट पे ही आपका निवास स्थान है। आपके माध्यम से 21 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, शुभकामनाएं आशीर्वाद। हृदय से नमन बंदन मैं आपको नहीं दे सकता, आप हमें दीजिए, इसलिए कहना। और ये 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे बड़े भैया गुरु प्रसाद द्विवेदी जी आपके माध्यम से आए हुए हैं, हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना है। आइए अपने उस अकाट्य गाने की ओर जो कि वाकई लाजवाब था। ये है जवाब निशा जी, कहना कि दिल क्या चीज है, हम दीन और ईमान दे दे दिए।
अगर तुम प्यार से मांगो तो हम अपनी जान दे देंगे। और तसल्ली से अभी बैठो जरा कुछ देर, थोड़ा सा तसल्ली से अभी बैठो जरा कुछ देर थोड़ा सा, और जरूरत पड़ी तो ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे। लेकिन हम उस लायक नहीं है, रानी की अनुकंपा है, कृपा है कि आज इस मंच पे मैं आ गया हूं। आग कहां है, चश्मा कहां गए हो? आपका गीत आया, बड़ा अच्छा गीत आया, के प्यार का है सामने, कोई आए लेने टक्कर सामने। ए, 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 ए। अच्छा ये बताओ, तीन, अब आपने तीन का है चक्कर सामने, कोई आए लेने टक्कर सामने, और जवाब अगर पांच में आ जाए तो भाई पांच लोग हैं तो पांच में आएगा। अब आप जवाब सुनिए के पांच का है, पांच का है ये चक्कर सामने, और कोई आए लेकर मेरे सामने। अब आपने भगवान के नाम और उनके वाहनों के नाम की व्याख्या किया है, हर लाइन में किसका कौन वाहन है उस वाहन की व्याख्या आपने किया है, तो सुनिएगा कि दस आनन कालिका हो, दस आनन कालिका जिनका सौ है वाहन, और दो आनन अग्नि के जिनका बकरा वाहन, I'm gonna go get some more.
काली का, क्योंकि 10 सिर भी हैं उनके, इसका नहीं कि 10 आनंद रावण नहीं, माता काली। तो 10 आनंद काली का जिनका 100 है वाहन, और 2 आनंद अग्नि के जिनका बकरा वाहन। बड़ा तरस आता है हम लोगों को कि भूखी बिटिया से कीर्तन गवाते हैं। पिंटू भाई क्या बताएं अब इनको, हम को बिचारी भूखी है, बरत है, हमको लगता है शाम को खाना वाना नहीं खिलाए इनको। तो कहना पड़ा पड़ा क्या कि एक आनंद, एक आनंद, एक आनंद विष्णु है और वाहन करुण सामने, एक आनंद विष्णु है करुण सामने, तो कोई आए लेकर मेरे सामने, ए, 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 तो 5 का है, 5 का है ये चक्कर सामने, कोई आए लेकर मेरे सामने, मेरे सामने, अब दूसरा जवाब देखिए कि पंचानन गणेश हैं, पंचानन गणेश हैं जिनका मूस है वाहन, खडानन मिले जिनका मोर है वाहन, है पंचानन गायत्री जिनका कबूतर वाहन। तो कहना पड़ा के 3 आनन, ये हो 3 आनन दत्ता के, दत्तात्रेय जी के 3 आनन, 3 आनन, 3 आनन दत्ता के पाए सामने, 3 आनन दत्ता के आए सामने, तो कोई आए लेकर मेरे सामने, आए लेकर मेरे सामने, ओ आए लेकर मेरे सामने, कोई आए लेकर मेरे सामने।